एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 28 जून, और मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए रेडी हुई हूँ, तो मैं बता दूँ आप लोग को। एक्चुअली मैं जा रही हूँ चंदिया, छोटू लेने आने वाला है, बस पहुँचने ही वाला है समझ लो। क्योंकि आप लोग जानते ही हो भाभी की यहाँ पर शादी है, मतलब मायके में भाभी के भाई की शादी है, तो भाभी मायके चली गई हैं, तो मम्मी अकेले हैं घर पर। तो अभी आप जानते हो मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तो मम्मी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो अभी मेरे को और पहले जाना था, बट दीदी की इंगेजमेंट थी, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज छोटू लेने आया है मेरे को, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ 2 दिन पहले, तो इसलिए आज जा रही हूँ। छोटू आ रहा है लेने, तो छोटू के साथ जाने वाली हूँ चंदिया। तो पैकिंग हो गई है मेरी, इसके बाद फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं, मतलब गौरव की इंगेजमेंट है 8 जुलाई को, तो जबलपुर आएंगे सब लोग, जबलपुर से है इंगेजमेंट, तो वहीं पर ही आ जाऊँगी मम्मी लोग के साथ जबलपुर, फिर उधर से आ जाऊँगी मैं मंडला। तो ये देखिए मेरी पैकिंग वगैरह सब हो रखी है, ये मैंने बैग वगैरह सब पैक करके रख लिया है, और बस आने वाला है छोटू। तो अभी वो लंच करेगा, खाना वगैरह मैंने बना लिया है, और अभी टाइम आप लोग को बता दूँ अभी 2:30 बजा हुआ है। सो गाइज़, ये देखिए मैंने प्लेट्स वगैरह सब कुछ लगा कर रख लिए, मतलब क्या क्या रखने वाली हूँ उस हिसाब से बर्तन लगा कर रख लिए हैं, क्योंकि वो आएगा और फटाफट से खाना खाकर हम लोग निकल जाएंगे। तो ये आम की चटनी हो गई, बरबट्टी की सब्ज़ी बनाई है, और ये फ्राई दाल हो गई, और राइस हो गया, और एक सब्ज़ी मैंने फिर और बना ली थी। और बस अभी उसको आने में टाइम था, जब तक मैंने सोचा महावर लगा लेती हूँ, तो बस ये महावर लगा रही थी। एक्चुअली मम्मी जी घर पर थी नहीं, मम्मी भी गई हुई थी जबलपुर आज, क्योंकि मम्मी भी एक जगह बैठक में गई थी, एक एक्सपायर हो गया था कोई, तो उनके यहाँ पर 13वीं वगैरह थी, तो वहाँ जाना था। मम्मी तो जबलपुर में थी, तो मैं, दीदी और ये घर पर हैं। तो ये देखिए छोटू आ गया है, और बस इन लोग बैठे हुए थे, एक्चुअली खाना भी हो गया है, मैं वीडियो फिर शूट नहीं की बीच में खाने वगैरह का, तो ये खाना वगैरह हो गया है, बैठे हैं सब लोग, फिर हो गया, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे आधे घंटे बाद। तो हम लोग 4 बजे निकल गए थे यहाँ से, मतलब महाराजपुर, मतलब मंडला से। फिर मुझे बुआ के यहाँ काम था, मुझे नहीं, मतलब एक्चुअली मम्मी भेजी थी मंडला से, कुछ काम था छोटू के यहाँ से, कुछ काम था मतलब मंडला में बुआ से करवाना था। तो फिर यहाँ से जाने के बाद बुआ के घर में थोड़ा सा मार्केट का काम की ये बुआ, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद हम लोग निकले, 1-2 घंटे बाद निकले, टाइम लग गया था थोड़ा सा। तो फिर लगभग हम लोग निकले, ये 7 बज गए थे मंडला से निकलते निकलते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही काम के लिए, सॉरी अभी तो हम लोग मंडला जा रहे हैं, महाराजपुर से बुआ के घर जा रहे हैं। बुआ के घर में पहुंचते ही हमने कॉल कर दिया था बुआ को, तो बुआ नीचे खड़ी हुई थी। तो हम लोग जो हमारा काम था, मम्मी भेजी थी जो काम के लिए, मतलब जो काम करना था वो हम लोग ने कर लिया, उसके बाद हम लोग ऊपर आए, तो वो जो काम था वो हो गया। फिर घर आते आते थोड़ा सबको भूख लग गई, शाम का टाइम हो गया था तो भूख लग गई, तो फिर थोड़ा बहुत हमने खाया स्नैक्स वगैरह, फिर इसके बाद हम लोग निकल गए मंडला के, सॉरी चंदिया के लिए। तो देख सकते हो आप लोग पूरे रास्ते में हम लोग को बारिश मिली, और ये अभी हम लोग निवास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बारिश हो रही है, पूरी रास्ते में बारिश मिली है हम लोग को। हम लोग को लेट हो गया था, 7 तो मंडला ही बज गए थे निकलते निकलते चंदिया के लिए। तो फिर हम लोग 10 बजे तक पहुँचे चंदिया। तो एक जगह पर बस ऐसा था कि बारिश नहीं हो रही थी, आप देख सकते हो रोड में, बाकी तो हर जगह हमें बारिश मिली है। जिस जगह से हम लोग निकल रहे थे उसी जगह में बारिश मतलब होने लग गई थी, ऐसा था। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं उमरिया।
सो अब हम लोग पहुंच गए हैं चंदिया, बस घर आने ही वाला है हमारा। और बस ये आ गया घर। सो गाइज ये देखिए, ये एक पार्सल आया है मेरा। ये इंस्टाग्राम पर रिवर्थ पल्लवी गुप्ता करके एक पेज है, वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया ब्लाउज के कलेक्शन मिल जाएंगे एंड ड्रेसेस मिल जाएंगी एंड साड़ी मिल जाएंगी। तो ये उनने भेजा है, मतलब मैंने मंगाया था अपने लिए। तो ये देखिए, ये प्रिंटेड ब्लाउज़ है, दो साड़ी आई हुई हैं एंड एक ड्रेस है, मतलब एक कुर्ता है। तो मैं अभी आप लोग के साथ, मतलब मैंने रील डालूंगी इंस्टा में, एक मैंने रील डाली भी है और एक आप लोग के साथ शेयर करूंगी इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग उनको फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में, रिवर्थ पल्लवी गुप्ता। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर उन्हें फॉलो करें। और जिनके लिए मैं बता रही हूँ, रिवर्थ ये मेरी मौसी सास हैं, उनकी मतलब बहू हैं, तो भाभी लगी मेरी। तो उनने अभी रिसेंटली नया चालू किया है कुछ, तो आप लोग जल्दी जल्दी से उनको फॉलो करिए। सो गाइज, इसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हेयर वॉश कर रही हूँ आज, तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता ही बना रही थी। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ ढोकला, तो जिसका बैटर वगैरह मैंने बना दिया है, जो रेडीमेड वाला आता है पैकेट, उसी का ढोकला बना रही हूँ। तो ये दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसका बैटर बना कर ये रख दिया है इसे पकने के लिए। तो बस इसे रख देते हैं, ढककर पकेगा लगभग 10 से 15 मिनट, फिर इसके बाद मैं इसका छौंक लगा लेती हूँ, बघार लगा लूँगी। पानी वाला ढोकले बना रही हूँ, गीला वाला, मतलब मसाला वाला नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये इसका मैंने छौंक लगा लिया है, हरी मिर्च, करी पत्ते और ये क्या बोलते हैं, राई डालकर। तो ये मैंने छौंक लगा कर रख लिया है और ये जब पक जाएगा तो इसमें ये डाल देंगे। सो मैं भूल गई थी एक्चुअली वीडियो कैप्चर करने के लिए, तो ये ढोकला मेरा फाइनली बन गया था। और इसके बाद नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। यहाँ पर प्रचार चल रहे हैं अभी, वोट वगैरह मतलब चुनाव वगैरह हो रहे थे, तो यहाँ पर सब अपने अपने प्रचार में निकल रहे थे, तो मैंने ये वीडियो कैप्चर कर लिया था। इसके बाद खाने का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पर मैं गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी और छोटू भी आ गया था शॉप से खाना खाने के लिए। तो बस ये गर्म गर्म मैं रोटी सेक रही हूँ और पनीर की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने, जो कि बन गई है वो भी। बस प्लेट लगाऊंगी उसकी और गरम गरम रोटी, खरी खरी रोटी उसको पसंद है, थोड़ा सा कड़क, तो बस ये सेक दी है मैंने रोटी और पनीर की सब्ज़ी हो गई है। चलिए प्लेट लगा देते हैं उसकी। सो गाइज, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।